आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पे दोस्तों फ्रेशर्स एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज आ रखी हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। वीडियो पसंद आता हो दोस्तों जरूर लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में फॉर्म को कैसे फिलअप करना है पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो भाई आप हमारे साथ दोस्तों वीडियो पसंद आता हो लाइक कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो वैकेंसी ज़्यादा रखी हैं, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए 12 पोस्ट, टेक्नीशियन पोस्ट के लिए 55 पोस्ट और हिंदी जूनियर ट्रांसलेटर के लिए जो है एक पोस्ट, टोटल जो है 68 वैकेंसीज यहाँ पे आई है। क्वालिफिकेशन की अगर बात किया है दोस्तों, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसमें जो है आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए जो है BSc रिक्वायरमेंट है और डिप्लोमा रिक्वायरमेंट है, और जो टेक्नीशियन वाली पोस्ट है उसमें 10वीं पास के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, या फिर ITI अगर आपने कर रखा है 10वीं प्लस ITI के कैंडिडेट जो यहाँ पे एलिजिबल हैं। इसके साथ दोस्तों यहाँ पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम जो है टेक्नीशियन पोस्ट का फॉर्म कैसे फिलअप करना है वो उसके रिगार्डिंग डिटेल में बात करेंगे। और यहाँ पे जो सैलरी रखी गई है आप देख सकते हैं सैलरी का क्या पैकेज वगैरह यहाँ पे रखा गया, तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे पैकेज दिया जा रहा है। फॉर्म की अगर लास्ट डेट की बात किया है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लास्ट डेट जो है 20/6/2022 रखा गया है, 20/6/2022 यानी कि 20 जून 2022 यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे जो है हर एक एडवर्टीजमेंट के लिए अलग अलग फॉर्म निकला हुआ है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, लिंक मैंने दिया हुआ है, इस प्रकार का जो है प्लेटफॉर्म खुल के आएगा। तो यहाँ पे हम जो है टेक्नीशियन पोस्ट के लिए फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे जो है टेक्नीशियन लिखा हुआ है। अगर आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसका अलग लिंक है, तो सबके लिए अलग अलग लिंक है, अलग अलग एडवर्टीजमेंट आया हुआ है। यहाँ पे देखिए आप इसका डेट वगैरह दिया है, लास्ट डेट वगैरह दिया गया है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, क्योंकि आपने कभी पहले इससे रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा। अगर किया हुआ है तो आप डायरेक्ट लॉगिन से कर सकते हैं, अगर नहीं किया है तो आपको सबसे पहले जो है रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए दोस्तों आपको जो है यहाँ पर क्लिक कीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपसे पूछेगा कौन सी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, अगर मैं इसका एडवर्टीजमेंट दिखाऊँ आपको, यहाँ पे अगर इसका देखेंगे जो टेक्नीशियन पोस्ट है उसमें भी जो है बहुत ढेर सारी पोस्ट है। यहाँ पे देख सकते हैं हर एक पोस्ट के लिए जो है अलग अलग चीज़ें रखी गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जॉब लोकेशन भी दिया गया है, एज लिमिट वगैरह भी दिया गया है, हर एक पोस्ट का अलग अलग जॉब लोकेशन है, क्वालिफिकेशन लगभग सेम है, किसी में एक्सपीरियंस मांगा गया है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक बार इसका फॉर्म को अप्लाई करने से पहले आप जो इसका एडवर्टीजमेंट ज़रूर पढ़ें, वहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो सब इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी है। चलिए दोस्तों यहाँ पे हम फॉर्म को एक फिलअप करके आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिए यहाँ पे रीजन दिया गया है, आप पहले सबसे पहले यहाँ पे जो है अपना रीजन सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट कोड वगैरह भी दे रखा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए आप फिटर के लिए अप्लाई करें तो यहाँ पे फिटर को सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आप आते हो तो यहाँ पे आपसे कैटेगरी पूछता है, तो आपको जो अपना कैटेगरी लिखना है जो भी आपकी कैटेगरी हो। इसका दोस्तों आपको यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करना है, मिस्टर मिसेस जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग। इसका दोस्तों यहाँ पे जो आपको अपना नाम जो है लिखना है, तो जो भी आपका नाम हो दोस्तों आप अपना नाम यहाँ पे टाइप कर देंगे। टाइप करने के बाद आपसे मेल आईडी पूछेगा, मेल आईडी डाल दीजिए, कन्फर्म मेल आईडी पूछेगा, कन्फर्म मेल आईडी कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड बनाना है, तो पासवर्ड बनाने के लिए कोशिश ये कीजिएगा कि एक स्मॉल हो, एक कैपिटल लेटर में हो, एक नंबर वगैरह हो, ऐसा पासवर्ड जो आप क्रिएट कीजिएगा। तो उससे क्या होता है दोस्तों, काफ़ी सहूलियत मिलता है और पासवर्ड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी रहता है। तो ऐसा पासवर्ड जो आप क्रिएट करने की कोशिश कीजिएगा। तो हाँ चलिए हमने ऐसा पासवर्ड क्रिएट करने की कोशिश कर दिया है और यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। और यहाँ पे देखिए पासवर्ड का लेंथ वगैरह सब कुछ यहाँ पे बोला गया है, कितने लेंथ वगैरह होना चाहिए, और यहाँ पर अपर केस लोअर केस सब कुछ यहाँ पर बोला गया है। तो ये हमने जो इसी प्रकार पासवर्ड क्रिएट किया है, अब यहाँ पर हम रजिस्टर कर देंगे। तो रजिस्टर पर क्लिक करके हम जो है रजिस्टर कर देंगे। आप जो अपना मेल आईडी चेक करिएगा, आपके मेल आईडी पर जो है दोस्तों पासवर्ड वगैरह और जो बाकी इन्फॉर्मेशन वो भी आ गई होगी। यहाँ पे भी शो कर रहा है, देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये शो कर रहा है, ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है और पासवर्ड जो आपने बनाया है वो पासवर्ड है। तो यहाँ पे फिर से लॉगिन करने के लिए यहाँ पे देखेंगे बैक टू लॉगिन पेज है, यहाँ पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो है लॉगिन पेज पर लेके जाता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको इंतजार करना पड़ेगा, लॉगिन पेज जो है इसका खुल के आएगा। वहाँ पर जो आपको ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो यहाँ ये शो कर रहा है, ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो है डालना है। चलिए खुल के आ चुका है, हम जो है यहाँ पर लॉगिन करते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पे हम जो हमने रजिस्ट्रेशन नंबर जो हमने डाल आया हुआ है वो डाल देंगे। अब यहाँ पे हमने जो पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। तो पासवर्ड हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं दोस्तों। तो पासवर्ड टाइप करने के बाद यहाँ पे लॉगिन का बटन है, इसको क्लिक कर देंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखेंगे आपका जो फॉर्म है वो खुल के आ चुका है। यहाँ पे आपका नाम वगैरह आ चुका है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आपका यहाँ पे दे चुका है। अब यहाँ पे इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे जो है सबसे पहले आपसे जो है फोटो यहाँ पे अपलोड करने के लिए बोल रहा है, यहाँ पे सिग्नेचर जो अपलोड करना है। ये करने के बाद आपको फोटो कैसे अपलोड करना है, आपको जाना है अपलोड फोटो पे, जहाँ पे भी आपकी सिस्टम या फिर मोबाइल पे फोटो हो वहाँ पे ये खुल के चला जाएगा। आपको बस अपनी फ़ोटो जो है यहाँ पे अपलोड करना है। तो फोटो का जो साइज़ है और जो फॉर्मेट है वो JPG और JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए हमने जो यहाँ पे फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है, अब यहाँ पे हमारी फ़ोटो जो अपलोड हो चुकी है। इसी प्रकार हम जो है यहाँ पे सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे, तो हम यहाँ पे सिग्नेचर को भी अपलोड कर रहे हैं, आप भी इसी प्रकार करेंगे। बाकी दोस्तों सिग्नेचर साइज़ वगैरह और ये सब का कैसे अपलोड करना है, इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस बता रखा है कि कैसे वगैरह आप साइज़ वगैरह सही करेंगे इसका। दोस्तों आपको यहाँ पे जो अपने फादर का नाम लिखना है, जो भी फादर का नाम लिखना है, या फिर हस्बैंड अगर फीमेल कैंडिडेट है तो हस्बैंड का नाम लिखना है, तो यहाँ पर जिनकी शादी होगी वही हस्बैंड का नाम लिखेंगे, नहीं तो आप फादर का ही नाम लिखेंगे। अब यहाँ पर आप अपने फादर का नाम मेंशन कर दीजिए। इसके दोस्तों यहाँ पे आप आते हैं तो मदर का नाम यहाँ पे पूछता है, जो भी आपके मदर का नाम हो मेंशन कर दीजिए। इसके दोस्तों यहाँ पे जो है डेट ऑफ बर्थ पूछता है, तो डेट ऑफ बर्थ जो है आप यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे होम, ये देखिए यहाँ पे आप जाएंगे, इस प्रकार जो अपना ईयर आपका आ जाएगा। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ईयर को सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्ट ईयर भी आ जाएगा। तो मान लीजिए हम जो है यहाँ पे 2000 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2000 भी आएगा। तो आपको जो है यहाँ पे अपना एज सेलेक्ट करने के बाद, मतलब डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद, आपको अपना यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके दोस्तों आप अगर आप मैरिड हैं अनमैरिड हैं जो भी हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके दोस्तों यहाँ पे जो आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, तो फ़ोन नंबर डालने के लिए आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे 91 सेलेक्ट करना है। इसका जो भी आपका नंबर है आप वो नंबर जो है यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। ये करने के बाद दोस्तों आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपसे एड्रेस पूछेगा, आप अपना एड्रेस यहाँ पे डाल देंगे, हमने जो अपना एड्रेस डाल दिया है। यहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट वगैरह पूछेगा, यहाँ पे स्टेट पूछेगा, स्टेट टाइप कर दीजिए। यहाँ पे कंट्री आपको इंडिया टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको पिन कोड टाइप करना है। ये सब करने के बाद मान लीजिए आपका क्रॉस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, इसको टिक कर दीजिए, तो आपका सेम एड्रेस यहाँ पे लिख किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है प्लेस ऑफ बर्थ पूछा हुआ है, तो जहाँ का आपका डोमिसाइल बना हो या फिर निवास प्रमाण पत्र बना हो वहीं का प्लेस जो है यहाँ पे लिखेंगे। तो चलिए हम जो यहाँ पे का लिख दे रहे हैं अपना। इसके बाद दोस्तों आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, अपना स्टेट यहाँ पे बता दीजिए। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी बतानी है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको अपना रिलीजन बताना है, क्या आपका रिलीजन है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी में इंडियन टाइप करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपको आधार नंबर अगर आपके पास है तो आप टाइप कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो यस नो में जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार एक्स सर्विस के मैन के रिगार्डिंग यहाँ पे इंफॉर्मेशन पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है अगर आप CSIR के एम्प्लॉई हैं तो आप जो है यहाँ पे, या फिर कोई रिलेटिव वगैरह है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं यस नो में। अगर आप SC ST OBC वगैरह क्लेम करना चाहते हैं एज रिलैक्सेशन रिगार्डिंग, तो आप जो है यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो आप नो करके आगे सेव एंड डिटेल पे क्लिक कीजिए। सेव एंड डिटेल पे क्लिक करते ही दोस्तों आप देखेंगे आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पूरा सेव हो चुका है। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट पेज पे क्लिक करना है, तो नेक्स्ट पेज पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका एजुकेशन डिटेल जो है यहाँ पे पूछेगा, तो आपको जो यहाँ पे एजुकेशन डिटेल जो है फिलअप करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो है आपसे 10th के बारे में इन्फॉर्मेशन देनी है, तो नेम ऑफ एग्जामिनेशन आप 10th यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लेटर ही लिखना है, तो आप सिंपल हाई स्कूल डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे सिंपल हाई स्कूल यहाँ पे आप लिख दीजिए। यहाँ पे आप सब्जेक्ट में साइंस लिख दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी बोर्ड हो आपका, चाहे MP बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, CBSE हो, कब पास आउट किए ये बता दीजिए। यहाँ पे परसेंटेज बता दीजिए, कितने परसेंटेज थे। सर्टिफिकेट नंबर होता है, वो सर्टिफिकेट नंबर जो आप टाइप कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो आपको अपने सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, यहाँ पे मार्कशीट को अपलोड करना है, तो अपलोड करने के लिए चूज़ फाइल पे जाएंगे और जहाँ पे आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा उसको जो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। मार्कशीट अलग होती है और जो सर्टिफिकेट अगर अलग होता है, अगर नहीं है सेम है तो आप सेम भी अपलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं आएगी। तो 10th का सर्टिफिकेट हमने अपलोड कर दिया है, इसी प्रकार आप यहाँ पे अपना मार्कशीट भी अपलोड कर दीजिए। तो हम जो है यहाँ पे मार्कशीट भी अपलोड कर दे रहे हैं क्योंकि ये मार्कशीट ही है हमारी। तो यहाँ पे सेव क्वालिफिकेशन डिटेल पे हमने सेव कर दिया है। अब इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा जो आप अपलोड करेंगे वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा मैंने जो है JPG फॉर्मेट में कर दिया था इसलिए मैसेज आया है। तो अगर आप
अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कीजिएगा। इसके बाद ये अपलोड करने के बाद आपको जो है बाकी इन्फॉर्मेशन, जैसे 10th के बाद अगर आपने आईटीआई कर रखा तो आईटीआई का डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे। ये सब फिलअप करने के बाद आप जो है नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पेज जो है एक्सपीरियंस का है, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए। नो करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट पेज है, इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप आते हैं तो यहाँ पे प्रोफेशनल अचीवमेंट वगैरह अगर आपने कुछ किया हुआ है तो आप दे बता सकते हैं, नहीं तो आप इसको नीचे कर सकते हैं, मतलब नीचे स्क्रॉल डाउन करके नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं। नेक्स्ट पेज को क्लिक करेंगे तो अदर डिटेल वगैरह यहाँ पे पूछेगा। यहाँ पे देखिए फ़ी पेमेंट जो है 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी लिया जा रहा है, तो आपको जो है 100 रुपीज़ का एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो है आपको चालान या फिर रिसिप्ट उसका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो है पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। और तो दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन नंबर है या फिर आईडी है या फिर रेफरेंस नंबर है, ये कहाँ से आप पाएंगे, तो आप जो है इसको अप्लाई करने के लिए, मतलब ये जो ऑनलाइन जो है आप चाहे तो आप चालान बना सकते हैं या फिर आप जो है ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आप होम पेज पर जाएँगे। होम पेज पर दोस्तों आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है लिंक दिया गया है कि कौन से लिंक जो है, लिंक से जो है आपको फॉर्म को यहाँ पे पेमेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए क्लिक हियर लिखा हुआ है, इस क्लिक हियर को आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आएगा SBI का। अब यहाँ पे दोस्तों आई रीड पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर सेलेक्ट स्टेट, तो यहाँ पर आपको तमिलनाडु सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गो का ऑप्शन है, गो को क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर होगा क्या, जैसे आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे जो आपको फिर से पेमेंट कैटेगरी जो है सेलेक्ट करनी है। तो पेमेंट कैटेगरी जब आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी का एक ऑप्शन आएगा जो अभी यहाँ पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऐसा कोई भी मतलब ऑप्शन नहीं है जहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी का ऑप्शन है। तो ये जो है अपडेट होगा आने वाले दिनों में, 1-2 दिन में शायद ये अपडेट हो जाए। तो अभी यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है एप्लीकेशन का, तो जैसे ही ये अपडेट होके आता है यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी का एक ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है। उसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे जो आपको डिटेल वगैरह पूछी जाएगी, आपका ATM नंबर, आपका यूज़र ID, ये सब पूछा जाएगा। जो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे पूछी है उसको फिलअप करके आप पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट करेंगे तो वहाँ पे एक आपका रिसिप्ट जनरेट होगा, और उस रिसिप्ट में दोस्तों ट्रांजेक्शन ID या फिर रेफरेंस नंबर जो है होगा, वो रेफरेंस नंबर दोस्तों आपको जो है यहाँ पर टाइप करना है। तो वही रेफरेंस नंबर यहाँ पर टाइप करने के बाद, और उसका जो रिसिप्ट डाउनलोड होगा उसको अपडेट करने के बाद, मतलब यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद यहाँ पर अगर आप कुछ अदर डिटेल देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख के यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज पे दोस्तों जो है आपका वो फाइनल सबमिशन है। तो फाइनल सबमिशन के लिए आपको करना क्या है, आपको जो है नीचे जो है यहाँ पे देखेंगे फाइनल सबमिट का ऑप्शन, अभी जो है यहाँ पे आई एग्री कर देंगे। आई एग्री करने के बाद यहाँ पे देखिए फिर से एक नोटिस आएगा, अब यहाँ पे फाइनल सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है दोस्तों वो सबमिट हो जाएगा। तो सबमिट करने से पहले एक बार जो है प्रीव्यू ज़रूर देखिएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को बतानी थी। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, नई वैकेंसी के साथ। आज के लिए बस इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। बाकी दोस्तों इसी तरह आप जो है अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।